अरे जब मंगल भैया ने कसम खाई तो घर के हर आदमी ने कसम खा ली कि जब तक श्रुति नेम साहब की शादी नहीं होगी तब तक घर में कोई दूसरा आदमी शादी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? तो अच्छा हुआ, नहीं तो शादी कपड़े धोते धोते मैं शादी के लायक नहीं रहता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये शादी किसी भी हालत में होनी चाहिए, नहीं तो मेरी शादी कब होगी? तुम्हारी उम्र के हिसाब से इस घर में एक ही तुम्हारे लायक औरत है, वो मुच्छड़ की बीवी। लेकिन उसके लिए तुम्हें उस मुच्छड़ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। ए, बकवास बंद कर रहा। मेरी तो वो रूपा। रूपा? रूपा के बनियान से शादी करेगा तू? अबे चुप, वो बनियान नहीं है, वो तो घाघरा चोली है जो रसोई घर में चप। अरे जिसने तेरी पिटाई की थी। क्या मारा? टेटर बंद कर, मेरा ड्रिंक बना। ये चिल्ला में बना रहा हूँ, बात बंद कर रहा हूँ। लगता है मुझे आज बहुत चढ़ गई है, इसीलिए मुझे अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अरे छोटा चेतन, या तो तू पी या तो फिर तू सो जा। मैं सो जाता हूँ। Hey, सो जा। क्या हल्ला हो रहा है? चुप कर कुत्ते, सो जा। इधर कोई है नहीं मेरी बात सुनने वाला। अच्छा तो तुम बोल नहीं सकते लेकिन गा सकते हो। बस बस, ये बताओ ये नाटक क्यों किया तुमने? ठीक है, तुम्हारा मुंह खुलवाने का रास्ता है हमारे पास, चलो। मेम साहब, ये कहाँ गायब हो गया? मैं यहाँ हूँ। हाँ, आपके चरणों में। वो क्या है कि मैं कभी कभी बोल भी सकता हूँ और कभी कभी सुन भी सकता हूँ। मैं थोड़ा अलग तरीके का गूंगा हूँ। सच बताऊँ, मेरी एक किडनी नहीं है। हा? तो गूंगा क्यों मानता है? तेरी किडनी क्या तेरे मुंह में है? नहीं नहीं, वो डॉक्टर ने कहा था काम माम मत करना, नहीं तो दिल का दौरा भी पड़ सकता है। तो चाचा ने कहा गूंगा मेरा बन जा, इससे तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा और लोगों का दिलासा भी मिलेगा। प्लीज प्लीज, जब तक मेरे चाचा पैसा लेके नहीं आते मुझे यही रहने दीजिए। एक किडनी वाले का दर्द आप लोग कैसे समझेंगे? मुझे और लाइए मत प्लीज। अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला ना तो मैं इस घर में रहने वाले एक एक गुजराती को पानी पीना बंद करवा दूंगा। क्या? वो कैसे? मैं जहर खा के इस कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगा। हा? ठीक है इस बार तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन इस घर में अगर तुम्हारी असलियत किसी को पता चली ना तो अपनी दूसरी किडनी भी खो बैठोगे, समझे? चलो जाओ। ओके। तो,
क्या? कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था ना इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठे दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ मैं भी कितना बड़ा गधा हूँ। लेकिन एडवर्ड तेरे सपने में समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया।